हेलो ब्रिवियन इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बचे हुए कपड़े से छोटे बच्चों का प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। बहुत लोगों को प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट देखें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार में आपको परफेक्ट तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, बिना वीडियो को स्किप किए देखना है आपको, तभी आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कपड़ा ले लिए, कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना है, फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है। डबल फोल्ड को एक फोल्ड और करेंगे, टोटल हमारा चार फोल्ड हो चुका है। इस तरफ हमारा खुला पार्ट है, उस तरफ हमारा बंद पार्ट है। ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगा लेना है, जो हम इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करते हैं। इस निशान को सीधा एक में मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। इसके नीचे से हमें लंबाई पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिटिंग लंबाई है 16.5 इंच, तो हमें 16.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 1.5 इंच हम मोहरी फोल्ड करने के लिए ले लेंगे, तो टोटल हमारा 18 इंच हो जाएगा इसकी लंबाई। इस निशान को सीधा एक में मिला लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। इसके नीचे हमें भी सेम इसी तरीके से निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लंबाई पर निशान लग चुका है। हमारा कमर है 20 इंच, 20 इंच का चौथा हिस्सा आ जाएगा 5 इंच। 5 इंच हमें फिटिंग पर निशान लगा लेना है, 2 इंच हमें लूजिंग पर निशान लगा लेना है, आधा इंच लिए मार्जिन के लिए। ये देख लीजिए इस तरीके से, टोटल 8 इंच हो चुका है। सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ से 8 इंच पर निशान लगा के आसन हमें 7 इंच पर निशान लगा लेना है। आसन पे हमें गुलाई से दे देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, आगे की तरफ से हमें 7 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, टोटल इसकी चौड़ाई है 10 इंच, तो 5 इंच पे सेंटर पे निशान लगा लेना है। 3 इंच इस तरफ से, 3 इंच इस तरफ से मोहरी लगाना है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मोहरी ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए। इस इंसान को इस तरह से शेप में मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस इंसान को गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। जहाँ से निशान लगा वहाँ से कटिंग कर देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। सेम इसी तरीके से इस तरफ से भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। सेंटर पे कट लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुकी है। इसको फैला के दिखा देते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, कपड़ा हमारा डबल में है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्लाजो पैंट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। चलिए मशीन पे स्टिचिंग बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को रखकर अच्छी तरीके से सेट करके आसन पर सिलाई लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, सिलाई लग चुका है एक तरफ से आसन के ऊपर। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है आसन के ऊपर। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी तरफ से सिलाई लग चुका है आसन के ऊपर। दोनों आसन हमारा कंप्लीट ज्वाइंट हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर की तरफ से हमारा इतना ज्वाइंट है, जहां से ज्वाइंट नहीं है वहां से अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिलाई लग चुका है, धागे कटिंग कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी तरफ से सिलाई लग चुका है। नीचे की तरफ से हमें मोहरी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आधा इंच फोल्ड कर देना है, उसके बाद 1 इंच फोल्ड करके अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक मोहरी तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरी मोहरी भी तैयार हो चुका है। अब प्लाजो पैंट को ज्वाइंट कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। जब आपका आसन से आसन मिलेगा, तभी आपका अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट होगा। अगर आसन से आसन जब नहीं मिलेगा तो खिंचावपन आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्लाजो पैंट ज्वाइंट हो चुका है। इसको सीधा कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब हमें ऊपर की तरफ से इलास्टिक लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले दोनों तरफ से हमारा ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 20 इंच का कमर था, तो यहाँ पर 17 इंच का इलास्टिक ले लिए हैं। अब इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ज्वाइंट हो चुका है, धागे कटिंग कर देना है।
अब इसके सेंटर पे रखते हुए आधा इंच पहले फोल्ड कर देना है, उसके बाद यहाँ पर एक इंच फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। एक बात का आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगेगा तो आपका इलास्टिक नहीं तनेगा, तो आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना है, तब आप इलास्टिक तान सकते हैं। ये देख लीजिए जैसे हम तान रहे हैं सेम इसी तरीके से आप भी तान लीजिए। अगर आपको कोई चीज का कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे कटिंग कर देना है। अब इलास्टिक कपड़े को दोनों बराबर तान देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से बराबर देते हुए तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर हो चुका है। अब इलास्टिक के बीच में एक और सिलाई लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से तानते हुए तो यहाँ पर देख लीजिए सिलाई लग चुका है, धागे कटिंग कर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लाजो पैंट हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। देख लीजिए बनाने के बाद हम आपको पहना के दिखा देते हैं। ये देख लीजिए छोटे बच्चों का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।